जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के रायसेन, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच इन जिलों में जो सामान्य बारिश होती है उसमें से बहुत अधिक बारिश हुआ है। एक उदाहरण स्वरूप गांधी सागर जो पिछले 12-13 साल में कभी भी 55 इंच क्रॉस नहीं किया था, पिछले दिनों 77 इंच ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, जबकि उनका नॉर्मल लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो 62 इंच मात्र है। पूरे प्रदेश की अगर स्थिति लेंगे तो हमारी जो औसत नॉर्मल है वो 889 सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स का बारिश होता है। इसके अगेंस्ट में 1183.9 यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में करीब 33% अधिक बारिश हो चुकी है। पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा हुआ है, पूर्वी मध्य प्रदेश में इवन दो करीब करीब नॉर्मल है, सीधी और शहडोल इन एकाध जिलों में थोड़ी सी कम बारिश हुई है, मोटा मोटी मध्य प्रदेश में 30% अधिक बारिश हो चुका है और उसका जो भी इम्पैक्ट है वो तो आप इमेजिन कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स की क्या डेटा है वो हम पीआर डिपार्टमेंट को दे देंगे, वो आपको उसकी कॉपी बना के आपको अवेलेबल करवा देंगे। ये जनरल स्थिति है मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति में। आज से करीब 3 महीने पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक डिटेल मीटिंग किया था मध्य प्रदेश की बरसात पूर्व तैयारी के बारे में और प्रत्येक जिले में कहां कहां पे बाढ़ आ सकती है, कहां कहां पे हमें होमगार्ड डिप्लॉयमेंट करना है, एसडीआरएफ डिप्लॉयमेंट करना है, बोट्स हैं कि नहीं, लाइफ जैकेट्स हैं कि नहीं, इन सब की एक इन्वेंटरी लेके 3 महीने पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और इसके लिए मैं मनीष रस्तोगी जी जो बैठे हुए हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, हम लोगों ने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। जैसे कि मैं इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले समय में दूंगा, अभी आगे ऐसा नहीं है कि पिछले 8-10 दिन में बारिश हुई और अचानक सरकार ने कुछ कम किया, 3 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पिछले 10-15 दिन में कुछ ज्यादा ही जब बारिश हो गई तब जाके कुछ क्राइसिस सिचुएशन आई, बट बाकी सब जगह पे ये करीब करीब कंट्रोल हो गया। कलेक्टर नीमच और कलेक्टर मंदसौर के द्वारा राहत और रिलीफ का काम किया गया है और मैं आपको भी संख्या भी बता दूंगा कि कितने लोगों को उन्होंने राहत शिविरों में ये किया है। वर्तमान स्थिति जो है गांधी सागर में लास्ट जो हम लोगों ने 2-3 घंटे पहले की इंफॉर्मेशन ली थी वो करीब 1315 तक पानी आ गया है और 0.1 यानी कि 1 फुट का 10वां हिस्सा प्रति घंटे में पानी उतरता जा रहा है और हमें उम्मीद है कि एक